देवर्षि नारद का प्रणाम स्वीकार करें माते। माते, पृथ्वी लोक से आप लोग आ गई आराधना की परीक्षा लेकर। देवर्षि, हम तो बस पृथ्वी लोक का भ्रमण करके चले आए, कोई परीक्षा नहीं ली हमने। परंतु माते, आप तीनों बहुत चिंतित दिखाई दे रही हैं। नहीं देवर्षि, हम तो पृथ्वी लोक में मानव की दशा देख के चिंतित हैं। मानव मोह माया में बहुत चिंतित और परेशान है। क्या सोच रहे हो पुत्र? कुछ नहीं माते, अब हम प्रस्थान करना चाहेंगे। प्रणाम। नारायण 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 नारायण। देवर्षि भी अनुचित समय पे उपस्थित होते हैं, परंतु प्रश्न उचित करते हैं। अब आप क्या सोच रही हैं माता पार्वती? परीक्षा का प्रथम चरण आराधना ने पास कर लिया है। दूसरे चरण की परीक्षा मैं स्वयं लूंगी। हेलो। हाँ माई, गोरी लगा तानी। सदा सुहागन रहा बिटिया। दामाद जी कैसन बानी? जैसे जैसे दिन बीत रहल बा, वैसे वैसे चिंता के मारे हमरा के नींद नहीं खे आवत। तो सुन रहल बाड़ू ना? हाँ हाँ हा, सुना तानी माई। बिटिया, हमार एगो बात याद रखिया कि जे सास ससुर पद पूजा, ऐसे बड़ धर्म ना दूजा। तू अपन मन से, धर्म कर्म से सब चीज करी हा, आपन सास ससुर के पूजा करी हा, उनका आशीर्वाद ली हा। बड़ बुजुर्ग के आशीर्वाद में बहुत ताकत होला बिटिया, वो बड़ से बड़ संकट के भी आराम से काट देला। बाकी सब वट सावित्री माई पे छोड़ दी। सती सावित्री माता की पूजा अर्चना करते करते आराधना स्वयं को सती सावित्री समझ बैठी है। उसे अपने सतीत्व पर अहंकार है, उसके सतीत्व की परीक्षा लेनी होगी। कामदेव को बुलाती हूँ। काम वासना से तो बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनियों की तपस्या भंग की है। ये तो एक साधारण सी कन्या है, देखते हैं कैसे ये इस परीक्षा को उत्तीर्ण करती है। कामदेव प्रकट हो। तीनों माताओं को कामदेव का प्रणाम। आज्ञा करें माते, कामदेव आपकी क्या सेवा कर सकता है? आराधना के भीतर इतनी काम वासना भर दो कि उसका सत्यत्व नष्ट हो जाए। जो आज्ञा माते। वट सावित्री मैया, हमार रक्षा करी, हमार रक्षा करी। जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया।
वत सावित्री मैया, जय वत सावित्री मैया। कामदेव, कामदेव। राहुल महिमा अपरंपार बमाई, जय वट सावित्री मैया, जय वट सावित्री मैया। अपना यह दुस्साहस समाप्त कीजिए, नहीं तो एक बार शिवजी ने तुझे अपने नेत्र से जलाया था, और जो तेरा बचा हुआ अंश है उसे मैं अपने सतीत्व की आग से जला दूंगी। त्राही माम माते, त्राही माम, मुझे क्षमा कर दे माते, ऐसा दुस्साहस दोबारा नहीं होगा। त्राही माम माते, त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम माते, त्राही माम, क्षमा कर दो मुझे, त्राही माम माते, त्राही माम। नारायण नारायण। प्रणाम माते। आइए देवर्षि, आप तो कटाक्ष करने ही आए होंगे। नहीं माते, हम तो बस प्रार्थना करने आए हैं कि आराधना की सतीत्व की परीक्षा अब और ना लें। अर्थात माते, याद है माता सती अनुसुईया का नाम? एक बार आप तीनों के पति ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये त्रिदेव माता सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी लोक गए थे, और माता अनुसुईया से निर्वस्त्र होकर भोजन कराने की शर्त रख दी थी। आपको भली भांति याद होगा माते। फिर उन्होंने अपने सतीत्व बल का प्रयोग करके त्रिदेव को नन्हा बालक बना दिया था, और उनको अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया था। काफी दिनों तक त्रिदेव बालक बनकर पालने में झूलते रहे थे। फिर आप तीनों स्वर्ग लोक छोड़कर माता सती अनुसुईया से क्षमा मांगी थी, ये तो आपको ज्ञात होगा। फिर माता अनुसुईया ने आपकी क्षमा पे विचार कर त्रिदेव को यौन रूप प्रदान किया था। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।